देखो, तो ये एनसीईआरटी में आया हुआ प्रॉब्लम है, तो आप इसमें कहीं नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, कि अगर आपके पास ये एक स्क्रीन है, ठीक है, और ये दो स्लिट्स हैं, ये दो स्लिट्स हैं, ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट पी है, जो लाइट है ना, जो लाइट है वो नॉर्मली यहाँ से मिड पॉइंट से आती है और पीछे से इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, फिर यहाँ से वेव ने ये डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से ये कवर किया, और सपोज़ ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होता था, डी साइन थीटा, क्लियर है, ऐसे किया था आपने। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये पाथ डिफरेंस कितना है पी पॉइंट पर दो वेव्स का, आप बोलेंगे डी साइन थीटा, और पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा अगर मैं बोलूं मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, आप बोलेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और मिनिमा की कंडीशन क्या है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू टू एन माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, बात खत्म, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो सोर्स है ना वो मिड पॉइंट पे है ही नहीं, वो कहते हैं सोर्स यहाँ पे है। अब अगर सोर्स यहाँ पे है तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे एक वेव ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक ने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो ये वाला डिस्टेंस बड़ा हो गया और ये वाला डिस्टेंस छोटा हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि इस केस में ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया उन्होंने ऐसा, जैसे ये किया था यहाँ पे ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर है, और सच दैट ये जो एंगल है ये वाला, ये उन्होंने दे दिया कितना, फाइव, तो ये कितना हो गया, डी साइन फाइव, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो पीछे का पार्ट डिफरेंस भी आ गया कितना, डी साइन फाइव, आगे का पार्ट डिफरेंस भी आ गया कितना, डी साइन थीटा, सही है, क्लियर है यहाँ तक, थोड़ा सा मॉडिफाई किया ना उन्होंने, जो डायग्राम आगे बनता है वही डायग्राम पीछे भी बना दिया, सही है यहाँ तक। तो आप मुझे एक बात बताओ कि उन्होंने कहा कि कंडीशंस लिख के दिखाओ, राइट कंडीशंस, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक हो गया। कंडीशन में क्या होता है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा तो मैक्सिमा, टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू तो मिनिमा। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें स्क्रीन स्लिट्स के पीछे, ऊपर की वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया नीचे की वेव से, और स्लिट्स के आगे नीचे की वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया ऊपर की वेव से, उल्टा हो गया ना, तो उल्टा हो गया, तो यानी कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस ऊपर की वेव की वजह से है और यहाँ पर पाथ डिफरेंस नीचे की वेव की, तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, तो आपको नेट पाथ डिफरेंस क्या लेना पड़ेगा, डी साइन फाई माइनस डी साइन थीटा, समझ आ रहा है। अगर ऐसा होता यहां पर भी नीचे की वेव ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होता और यहां पर भी, फिर मैं पाथ डिफरेंस डी साइन फाइव प्लस डी साइन थीटा फिर ऐड हो जाते, पर यहां पे उल्टा हो गया, तो जो वेव ऊपर थी वो वेव यहां पर नीचे हो गई, उल्टा हो गया काम, तो यहां पर ये वेव ऊपर की वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहां पर नीचे की वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और पाथ डिफरेंस होता क्या है, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस, होता तो यही है पाथ डिफरेंस शुरू से लेके एंड तक, तो ऑब्वियसली अब ये उल्टे भी तो हो गए ना, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, तो हमें पाथ डिफरेंस में क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर डायग्राम ऐसा आ गया कि नीचे की वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया पीछे भी और नीचे की वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया आगे भी, तो फिर पाथ डिफरेंस डी साइन फाइव नीचे बनेगा डायग्राम, फिर डी साइन फाइव प्लस डी साइन थीटा, पर अगर उल्टा चल रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा इन्हें, माइनस। तो ये पहली कंडीशन है एन लैम्डा मैक्सिमा की, और ऐसी डी साइन फाई माइनस डी साइन थीटा अगर 2n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, तो कौन सी कंडीशन आ गई इसमें, मिनिमा की। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपको लिख के दिखाना था। अब आप ये देख लो कि जो याद करके जा रहा है सिर्फ, कि मैं तो याद करके जा रहा हूँ, नहीं होगा। आप कहोगे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे हमें ऐसे, इसके लिए हम एक बुक करेंगे यू लाइक या एग्जाम आइडिया, जनवरी में लिया करते हैं हम ये, जन और फेब में, जब मेंस एक बार कॉम्पिटिशन की तैयारी हो जाती है तो बोर्ड से एक महीना पहले लेते हैं, एक डेढ़ महीना पहले, या कोई पहले लेना चाहे पहले भी ले सकते हैं, नया एडिशन लेना, तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं ना जितने आ रखे हैं और कैसे आ सकते हैं सैम्पल पेपर, तो उसके अंदर काफ़ी वैरायटी होती है,
तो उसके अंदर एक एक क्वेश्चन लोग करके जाते हैं जिससे कि उनको पता लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन मॉडरेट होके आ सकता है। ठीक है, सो